हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है MTS का, और आपका फॉर्म जो फिल हो रहा है CGL 2023 का, आपका प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने सोचा कि उन्हें आपके लिए यार एक चैप्टर वाइज भी लाया जाए। जो बहुत से भाई देखा जाए, इसका क्या है, कंसेप्ट नहीं पता होता तो वो सवाल को नहीं कर पाते हैं ना। हम सोच रहे कोई भी चैप्टर आपका लिया जाए, पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक ले जाया जाए। आपका कोई भी एग्ज़ाम आपने आपका उससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो सोच रहे हैं आपके लिए चैप्टर वाइज लाया जाए, और जल्द ही कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ना आपके सामने दिख रहा होगा, तो आपका जो पेपर हुआ है CDS का पेपर 16 अप्रैल को हुआ था। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए CDS का जो पेपर हुआ है वहाँ सबने उठाए हैं क्वेश्चन। तो बताइए प्यारे भाई, क्या गया इसका आंसर? सवाल में आपको जो दिया यहाँ पे है, यम और एन प्राकृतिक संख्या है, एम प्लस एन का न्यूनतम मान क्या है, कि यह जो आपको संख्या दिखाई दे रही है 121 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए पूरी तरह से। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सवाल में आपको जो यहाँ पर दिया है 33m + 22n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 11 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, 3m + 2n बचेगा। तो यहाँ पे m और n का मान क्या रखा जाए कि आपका 11 बन जाए, यहाँ पे m और n का मान क्या रखा जाए कि आपका 11 बन जाए ना। अगर m का मान 3 लिया जाए, 3 3 9 2 11, एन का मान जो आपको लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लिया एम का मान 3 लिया है, और एन का मान कितना लिया, 1 लिया है। एक तो यह आपकी पॉसिबिलिटी बन रही ना, एक जो आपकी और क्या बन रही है पॉसिबिलिटी, अगर एन का मान हम 4 ले लें, 4 2 कितना 8 हो जाएगा, 8 3 कितना 11, तो यहाँ पे एम का मान लेना पड़ेगा आपको, 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे बोला है एम प्लस एन का जो मान लेना न्यूनतम लेना है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 5 मिल रहा है, और इन दोनों को आप जोड़ें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 4 मिल रहा है। तो यह आपका देखा जाए क्या है, न्यूनतम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा ना। आगे चले तो बताइए अगला सवाल। तो यहाँ पे जो दिया है सवाल में, 97 की पावर 30 - 14 की पावर 30, आपको पता है एक कंसेप्ट क्या होता है, एक आपका रूल होता है, अगर ए की पावर एन बी की पावर एन दिया, इस फॉर्म में आपका सवाल दिया है, और आपका एन और आपका जो एन क्या है, सम संख्या है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे, हमेशा हमेशा यह जो होता है ए प्लस बी से डिवाइड होता है पूरी तरह से, और ए माइनस बी से भी डिवाइड होता है पूरी तरह से, क्योंकि इसका क्या होगा फैक्टर यहाँ पे है, ए प्लस बी भी इसका फैक्टर है और ए माइनस बी भी इसका फैक्टर है। तो ए क्या होगा, ए प्लस बी इसको डिवाइड करेगा पूरी तरह से, और ए माइनस बी भी डिवाइड इसको करेगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे आइए जो आपको सवाल दिया है इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आइए इसको सॉल्व किया जाए। जो आपको सवाल दिया यहाँ पे, 97 की पावर कितनी है, 30 है, माइनस 14 की पावर कितनी है, 30 है। तो क्या होगा, ए प्लस बी, 97 + 14 कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा, इंटू में 97 - कितना, 14, कितना मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। तो यह जो आपका मिला क्या, फैक्टर मिल रहा है, 111 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 83 मिल रहा है। 111 इसको पूरी तरह से भाग करेगा, और 83 भी क्या करेगा, इसको इसको पूरी तरह से भाग करेगा। 111 तो कहीं नहीं दिया ऑप्शन में, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं, 37 कितना होता है, 111, 37 × 3 ना, 37 × 3 होगा, 103 होगा, है ना। तो यह जो आपका नंबर 37 से भी भागा, और 3 से भागोगा, और किस से होगा, 83 से भागोगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 37 और 83, यह जो आपका नंबर है 37 और 83 से भाग होगा पूरी तरह से ना, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो बताइए अगला सवाल क्या आएगा इसका आंसर। आपका क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है। पूंजी और गुणे समय का
प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट आपका लो होता है। तो सवाल में आपको जो दिया है इन्वेस्टमेंट का क्या दिया, रेशियो दिया, देखिए यहाँ पे दिया है निवेश करते हैं पैसा, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या है यहाँ पे रेशियो है, क्या है यहाँ पे 2:3, 4:5, 5:6 दिया है। यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना दिया है, 6:5, 5, 4 और कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। 6 × 2 = 12 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15 और 6 × 2 = 12। तो आपसे जो पूछा है क्या, किसको सर्वाधिक लाभ होगा, किसको मिलेगा सर्वाधिक लाभ, इसको मिलेगा, यह क्या है आपका, यह ए है, बी है, यह सी है, डी है और क्या ई, तो यह इसको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, है ना प्यारे प्यारे भाई। हाँ आगे चलते हैं, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर ना। तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आएगा, सवाल आपको दिया क्या है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है x³ - y³ की वैल्यू आपसे पूछा है, क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए, आपको यहां पे दिखाई क्या दे रहा है, x और y का जो गुणनफल यहां पर दिखाई दे रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे x और y का जो गुणनफल यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे इन दोनों का गुणफल एक मिल रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। तो बताइए वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। तो वाई की वैल्यू अगर यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर अगर रखा जाए तो क्या होगा, x³ - 1/x³। आपसे जो फाइनली पूछा है इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू कैसे आपको मिलेगी, जब तक आपको पता ना होगी इसकी वैल्यू, ये जो आपके इसकी वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगी आपसे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो वाई के आसन पे लिख सकते हैं क्या, 1/x, वाई के आसन पे क्या 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर रखिए x की वैल्यू क्या यहाँ पे है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है आपको, 3+1, यहाँ पे क्या है 3-1, माइनस कितना यहाँ पे है 3-1, 3+1। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो क्या मिलेगा, गुणा करने के बाद जो मिलेगा 3+1 का होल स्क्वायर मिलेगा, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, प्लस 2 करने में 3 मिलेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 3-1 का होल स्क्वायर ना, कितना मिल जाएगा आपका 3+1 करने में कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, अपान में क्या मिल जाएगा a² - b² मिलेगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, b का स्क्वायर का मतलब क्या 1 का स्क्वायर यह मिलेगा। आप यहाँ से एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब इन इसका गुणा करेंगे ना, माइनस का जब गुणा करेंगे इसमें, तो आपका चिन्ह क्या होगा बदलेगा, आपका चिन्ह जो है क्या होगा बदल जाएगा यहाँ पे ना, तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा, -1 मिलेगा, +2 करने में 3 मिल जाएगा यहाँ पे ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल होगा और प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, करने में कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, करने में आपका 3 मिल जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आपकी आएगी x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर सोचिए, इतना एग्ज़ाम में करेंगे कभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम वैसे भी कम समय होता है, इतना कभी भी आपका
ये ना जो आपका सोल्यूशन इतना देखा जाए आपका नहीं होना चाहिए, इतना जो आपका सोल्यूशन आपका देखा जाए यहाँ पे होना चाहिए ना। समझिएगा क्या होता है, 4ab होता है। अगर इन दोनों को घटाते हैं ना, इन दोनों को घटाने के बाद क्या मिलता है, 4ab अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 4ab ए के आसान में कितना है, √3 है, इंटू में कितना है, 1 है, अपान में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, माइनस 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आपका मिलेगा, 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 करोड़ में कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एक इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इतनी आ जाएगी इसकी वैल्यू ना। अब आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। आपको पता है जब आपका होता है माइनस क्या होता है, के क्यूब प्लस 3k होता है। इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका क्यूब करने के बाद 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, करड़े में 3 का क्यूब करेंगे क्या, 3 करड़े में 3 मिल जाएगा, 8 त्रिक 24, करड़े में कितना, 3 मिल जाएगा। अब प्लस 3k, प्लस 3k की वैल्यू कितनी है, 2 करड़े में 3 है, इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 6, 6 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 करड़े में 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्यारा सा सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, 4cos² 30 + 2sin 2x sin 30 है ना, तो क्या होगा इसकी वैल्यू बताइए। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3 / 2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी, 3 करड़े में 4 मिल जाएगा, प्लस 2x ना, 2x साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, -6। इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, इसकी वैल्यू अगर एंगल का सम कोणों का योग अगर 90 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई, इक्वल में 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, यहाँ बसा क्या आपका 3 + x और -3 और यहाँ पे -6 इक्वल में क्या, 0 मिल जाएगा। यह -3 है, यह आपका +3 है, यह आपका जो -6 है इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या +6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछा है तो x की वैल्यू आपके निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गई, आपका डी ऑप्शन मिल गया ना। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपको इस सवाल को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी आपकी जो होती है ना, सरसमीकरण जो आपकी होती है क्या होती है, आइए बता दें आपको। sin²θ + cos²θ = क्या होता है, 1 होता है, और 1 + cot²θ = में क्या होता है, cosec²θ होता है, और क्या होता है, 1 + tan²θ = क्या होता है, sec²θ होता है, यही तो होता है। ये आपकी तीनों आइडेंटिटी होती है, आप इसको याद कर लीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। और यहाँ पे जो आपका सवाल दिया है, 1 + cot²a = क्या होगा, cosec²a होगा, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या होगा, cosec²a। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एक जगह प्लस आपका दिया, एक जगह क्या माइनस दिया, तो क्या होता है, a² - b² तो क्या होगा, 1 - cos²a होगा यहाँ पे। बताइए 1 - cos²a होगा कि नहीं, 1 - cos²a के स्थान पे क्या लिखेंगे, अगर cos को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 - sin²θ क्या मिलेगा, 1 - cos²θ क्या मिलेगा, आपका sin²θ मिलेगा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin²a, यहाँ पे लगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव ना। इसके असम पे क्या लिखेंगे, इसके असम पे क्या होता है, sec²θ, तो sec² क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, sec²a। इसके असम पे क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं 1 - sin²a, तो 1 - sin²a, अगर साइन को आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 - sin² इधर मिलेगा, यहाँ आपका बसा क्या, cos²θ ना, तो इसके असम पे लिख सकते हैं cos²a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए समझिएगा,
ये जो साइन और क्या, साइन और आपके जो होते हैं क्या, कोसेक होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन और कोसेक समझिएगा, ये भी आप लिख लीजिए, साइन ए इंटू कोसेक ए, इन दोनों का जो गुणनफल आता है हमेशा एक आता है। और क्या होता है, सेक ए इंटू कॉस ए, इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, एक आता है। टेन ए इंटू कॉट ए, इन दोनों का भी गुणनफल कितना आता है, एक आता है। तो देखिए क्या हो रहा है, इनका वैल्यू कितना, एक आ सके, माइनस इनकी वैल्यू कितना आ सके, एक आ गए। सिंप्लीफाई करेंगे आपको जीरो मिल जाएगा, यह आपका हो जाएगा सी बी ऑप्शन हो जाएगा ना। वैसे देखा जाए मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का सवाल था, इसको आप करेंगे ना 15, इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। आपको पता ही है कोसेक होगा, ए आपका कॉस होगा, मिलके कितना होगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेक होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका, कॉस होगा। तो कॉस और सेक मिलकर कितना होगा, एक होगा। एक माइनस एक इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। ऐसे बहुत देखा जाए इज्जत देने लायक नहीं है आपका आंसर ना, क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे वही स्टूडेंट कर पाएगा इस सवाल को जिसको पता होगा ट्रेन का जो आपका होता है कंसेप्ट होता है। समझिएगा, एक ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 10 सेकंड है। जब दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो इसमें 20 सेकंड का समय लगता है पार करने में ना। और इनकी लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर है। आपसे पूछा है गति, किसकी गति, ट्रेन की गति आपसे पूछा है। तो कैसे लगेगा सवाल, आपको पता है जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में, आपकी क्या है, बैठा हुआ व्यक्ति है, जब कोई ट्रेन एक अदर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करती है तो क्या अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे मान ले कोई ट्रेन जा रही है और क्या, एक दूसरी ट्रेन जा रही है, इसमें क्या बैठा हुआ व्यक्ति बैठा है, इसमें क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये ट्रेन इसको पार करेगी ना, इसका मतलब क्या, अपनी लंबाई को पार करती है कि नहीं, अपनी लंबाई को पार करती है। व्यक्ति को पार करना, यहाँ पे अपनी लंबाई को पार करना होगा। तो बताइए, यहाँ पे जब विपरीत दिशा में चल रही है, यहाँ पे ना तो ट्रेन की स्पीड दी है ना तो क्या आदमी की दी स्पीड। हमने ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया, S1 मान लिया, और आदमी की स्पीड को क्या मान लिया, S2 मान लिया। तो बताइए जब चलेंगे विपरीत दिशा में तो क्या होगा, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाएगी। 200 मीटर की दूरी है, एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, उनकी स्पीड क्या आ जाएगी, 200/10 कितना आ जाएगी, 20 मीटर/सेकंड आ जाएगी। उसकी स्पीड जब चलेगी क्या, विपरीत दिशा में चलेगी, 200 मीटर अपनी जो लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दूरी आपकी क्या है, इनकी लंबाई ना 200 है, 10 सेकंड में पार करती, स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 मीटर/सेकंड आ जाएगी। लेकिन जब वह क्या करती है, एक ही दिशा में चलती है तो क्या हो जाएगा, 200 मीटर की दूरी है, 20 सेकंड में पार करते तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे ना, S1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, S2 आपका कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या 2S1 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना 30 मिल जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे आपका 15 मिल जाएगा। तो S1 की वैल्यू यहाँ पे मिल क्या गई, 15 मिल गई। यह आपका जो मिला यहाँ पे ना, मीटर/सेकंड मिल रहा है मेरे प्यारे भाई। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है किलोमीटर/घंटा में दिया है, तो क्या करेंगे इसको 18/5 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर/घंटा आपके आ जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। बताइए इसका क्या है आंसर। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी कार्य को बी की गति से 2 गुना गति से करता है, इसके अलावा बी उसी कार्य को सी की गति से 1.5 गुना कार्य करता है। समझिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। हमने मान लिया सी की जो गति ना 2 है, इसका आप 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 गुना 3 आ जाएगा, इसका करेंगे 2 गुना, बी का क्या है 2 गुना ए है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो बताइए वे सभी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए एक दिन में कितना काम करते होंगे? 6, 5, 11 काम करते होंगे। 11 का मल्टीपल वैसे आएगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जहां तक है कंफर्म होगा यहां तक उम्मीद। 11 आपका अगर एक दिन में काम करते हैं, कितने दिन तक काम किए हैं? 12 दिन तक काम किए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा? एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। कितने दिन तक काम किए हैं? 12 दिन तक काम किए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा? इस काम को कौन कर रहा है? सी अकेला करता है। सी आपका कितना यहाँ पे है? 2 के एफिशिएंसी से करेगा। कितना? अगर 2 6 12, 11 छक्का आपका 66 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सीडीएस के देखा जाए इतने ही क्वेश्चन थे, और बाकी और भी क्वेश्चन है उसको और कल कराएंगे सॉल्व। बाकी आप वीडियो को पूरी देखिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।